और सब डिपो जो उद्घाटन करें नई बसों के साथ करेंगे, और जिससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी लाभ मिले और ज़्यादा ज़्यादा कॉलेज स्कूल में जो बच्चे जाते हैं सब डिपो को भी लाभ होगा और नई बसों का भी प्रवेश होगा जिससे ज़्यादा लोग उसका लाभ उठाएं। मार्च के महीने में सब डिपो का उद्घाटन हम लोग कर देंगे। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सारे भारत के जो बेटियां हैं अपनी सेंट्रल महेंद्रगढ़ में इकट्ठे हो रहे हैं, खेल का जो बास्केटबॉल का रखा है, और बेटियां ने सारे दुनिया में बेटियों ने हरियाणा के बेटियों ने नाम भी कमाया, चाहे गोल्ड मेडल की बात करें, रेस की बात करें, रेसलिंग की बात करें। और मैं VC साहब यहाँ हैं और इनके नेतृत्व में रामलाल शर्मा जी पूर्व मंत्री रहे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, तो उनके नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम रखा है महेंद्रगढ़ में, सारे देश के बच्चे यूनिवर्सिटियों से आए हैं। मैं उनका तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, कि जो हरियाणा से मैसेज लेकर जाएंगे बच्चे खेलों में अग्रिम पत्र में। हरियाणा का सर बजट सत्र आने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी, और बजट ऐसा आएगा, पहले भी जो बजट आया था प्रदेश के हित में आया गया, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, आम व्यक्ति के हित में आएगा, और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया बजट आया। सर जो महेंद्रगढ़ का सब डिपो है उसका भवन तैयार है लेकिन 2 साल से वो शुरू नहीं हो पाए। नहीं, मैंने उसकी जानकारी आज उसका उद्घाटन हम करते, उसमें छोटी कमियां बाकी हैं और मुझे कहा गया है कि 1 महीने में सारे उसको सब डिपो को पूरा कर लेंगे, और पूरी करने के बाद हम सब डिपो को उद्घाटन करेंगे, और सब डिपो जो उद्घाटन करें नई बसों के साथ करेंगे, और जिससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी लाभ मिले और ज़्यादा कॉलेज स्कूल में जो बच्चे जाते हैं सब डिपो को भी लाभ होगा और नई बसों का भी प्रवेश होगा जिससे ज़्यादा लोग उसका लाभ उठाएं। अभी मंत्री जी आज आए थे और बातचीत हुई बस डिपो को लेकर, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के लिए है, बहुत बार यहाँ पे लोग संघर्ष कर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, अभी कहा गया कि 1 महीने का समय दिया गया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपके अजीज हैं जो परिवहन मंत्री हैं। हाँ, मेरे रिलेटिव हैं ये, एक्चुअली ये जो फर्स्ट जो फरवरी थी, इस फर्स्ट फरवरी को मेरे ख्याल से इस सब डिपो को 2 साल हो गए जी, बिल्कुल है ना। तो ये आपकी बात ठीक है कि ये लोगों की भी डिमांड है और प्रदर्शन भी हुए हैं और विरोध भी हुआ है, सारी बातें ठीक है। ये आपकी बात ठीक है कि ये जो 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 समय जो ये लगा है, इसके रीज़न जो इसके पीछे है वो ये है कि एक तो डिपार्टमेंट के पास व्हीकल्स की शॉर्टेज है, जो कि अभी मंत्री जी से अभी जब वो आए तब मैंने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर थोड़ा सब डिपो की वजह से यात्रियों को भी बहुत कठिनाई हो रही है, और तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ये बसेस वगैरह खरीद रहा है, और ये खरीदने के बाद ही मार्च के अंदर ही इसका हम डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके इसकी और इसको स्टार्ट किया जाएगा। और डिपार्टमेंट ने अभी थोड़े दिन कोई स्पेशल यहाँ पे डायरेक्टर ने भी कोई भेजे भी थे, तो उन्होंने यही रिपोर्ट दिया कि इसमें थोड़ा सा अभी मेंटेनेंस का और कुछ जो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ रहता है काम, वो भी ये वाले मंथ में हो जाएगा पूरा, लगता है कि मार्च में चालू हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये आपके माध्यम से मैं अपने जो जो अपने साथी हैं मैं इनको आपको यह आश्वासन देता हूँ कि मार्च के महीने में सब डिपो का उद्घाटन हम लोग कर देंगे। अच्छा, एक IMT को लेके बहुत से सवाल उठते, भाई IMT कहाँ गई जो यहाँ पे CM साहब आके यहाँ जिता काटे गए थे? ये आपने शायद देखा होगा, अभी जो ये 4 लेन का जो काम है ये भी हो गया स्टार्ट, और मैं आपको बताता हूँ कि सितंबर के आसपास हम फिर से
IMT के अंदर एक एक प्रोग्राम रख रहे हैं और वहीं से इसका शिलान्यास भी रखेंगे और इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी तो लोगों का सवाल ये है कि भाई बनेगी या नहीं बनेगी। हाँ, ये आपके माध्यम से मैं फिर से इंद्रगढ़ के अपने जो भाई हैं उनसे विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ 100% हम लोगों का प्रयास है कि IMT बने और मुझे ये यकीन है कि IMT बनेगी। अच्छा, अभी एक और सवाल चल रहा है कि शहर में रोडों की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी नहीं है और भाजपा से जो चेयरमैन है वो बनाए गए हैं। जी, ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ स्टाफ की दिक्कतें थी, ये इलेक्शंस थे, फिर ये सरपंचों इलेक्शंस आ गए, फिर यहाँ से जो स्टाफ था उनकी ट्रांसफ़र होगी, तो थोड़ा बहुत ये कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। पर फिलहाल जो माजरा से जो फाटक से और माजरा वाला था वो स्टार्ट किया, पर वहाँ पे फिर फॉरेस्ट के पेड़ वहाँ पे हैं कुछ, वो पेड़ों की अप्रूवल जो है वो सेंटर से मिलती है, तो नगर पालिका ने वो अप्रूवल जो है सेंटर से भेज रखी है। ठेकेदार जो है राजेश हैं, मेरी भी हुई थी बात उनसे, तो मेरे को उन्होंने भी कहा है कि ये हफ्ते में वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आ जाएंगी और उसके बाद वो रोड भी हो जाएगा स्टार्ट और ये वाला भी और सारे ही सारे रोड स्टार्ट हो जाएंगे। जी 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 ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू।